हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। मैं आज आपके साथ एक होम रेमेडी शेयर करूँगी जो है अंडर आर्म्स, जिसके बहुत ही ज़्यादा ब्लैक होते हैं या नी ये एल्बो ब्लैक होती है या नी ब्लैक होती है या पैर के पास जो एक हड्डी होती है वो भी ब्लैक ब्लैक सी होती है किसी किसी की, और ये नकल्स भी किसी किसी के बहुत ज़्यादा काले होते हैं, ये ब्लैक ब्लैक से होते हैं। तो मैं उसके लिए होम रेमेडी बताऊँगी, और जो जिसके लिए भी ये अच्छा लगे ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपके फैमिली मेम्बर्स में या आपके फ्रेंड्स में किसी का एल्बो या कोई भी चीज़ ब्लैक हो बॉडी की, तो वो उससे रिमूव कर सके, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और आप ये ज़रूर कीजिएगा। मैं इसको बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ और मैंने और भी लोगों को बताया तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा। तो ये मैं बता देती हूँ कि मैं इसमें एक सोडा यूज़ कर रही हूँ, लेकिन वो खाने वाला सोडा है, ना कि इनो नहीं यूज़ कर रही हूँ मैं। इनो यूज़ करना नहीं है मुझे। इनो यूज़ करूँगी तो बहुत ज़्यादा वो हार्ड होता है, इसलिए वो तो मैं यूज़ करने वाली नहीं हूँ। और इसको मैं बता दूँ कि आपको फेस पर नहीं यूज़ करना है, कि नहीं तो आप फेस पर लगा लें और अपना फेस, क्योंकि फेस की जो लेयर होती है वो बहुत ही नाजुक होती है, लेयर थिन होती है और सॉफ्ट होती है बहुत ही ज़्यादा, और उस पर तो आपको वर्क वो करेगा नहीं और ज़्यादा उल्टा कुछ रिएक्शन हो जाएगा, इसलिए आपको फेस पे तो अप्लाई नहीं करना है। हाँ, आप जहाँ जहाँ मैं बता रही हूँ वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बता देती हूँ इसमें क्या चाहिए आपको और कैसे इसको अप्लाई करना है। चलिए देख लेते हैं इस चीज़ को। तो इसके लिए मुझे चाहिए सोडा, बस इतना ही सोडा। जहाँ आपको यूज़ करना है आप उस हिसाब से ले सकते हो, ये खाने वाला सोडा है आप उसको लीजिए। मैं इतना ही यूज़ करूँगी, मुझे सिर्फ आपको दिखाना है, और मैं जब इसको यूज़ करती हूँ एक ही जगह यूज़ करती हूँ तो बस इतना ही ले लेती हूँ मैं। और इसमें थोड़ा सा आपको लेमन जाएगा, मैं इसमें ड्रॉप डाली है आपको, और वाटर जाएगा, तो वाटर के लिए मैं थोड़ा सा वाटर डाल लूँगी इसमें। पेस्ट टाइप बना लेना है आपको और इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं करना है। और इसमें मैं लेमन डाल लूँगी। जब भी लेमन डालते हैं तो इसमें थोड़ा हल्का फुल्का झाग आता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जब इसको मिक्स करेंगे ना तो एकदम से ठीक रहेगा ये। और हाँ, ये घुलता नहीं है, इसी तरह से रहेगा, लेकिन ये पानी की टाइप ही होना चाहिए, इस तरह से इस तरह ही रहेगा ये। ये देखिए ये सा। मैं देखिए इसको मिक्स कर लिया है इस तरीके से, ऐसे मिक्स कर लेना है आपको। और जहाँ आपका ब्लैक ब्लैक सा हो, जहाँ पर आपकी जो ये इस तरह के ये ब्लैक होते हैं, यहाँ पर ये नकल्स होते हैं, ये ब्लैक होते हैं किसी किसी के बहुत ही ज़्यादा, तो उनको आप वहाँ पर इस तरह से इसको लगा के रख दीजिए, इस तरह लगा लीजिए आप। पहले इस तरह लगा के और इसको अच्छे से रब कीजिए इस तरह, हल्के हाथों से आपको जेंटली रहना है, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं करना है आपको, और हल्के हल्के हाथों से इसको करते जाइए। और फिर इसको 5 से 10 मिनट के लिए आप इस तरह छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद आप वॉश कर सकते हो। देखिए मेरा तो नहीं है ब्लैक, में जिसको बताया है उनका बहुत ही ज़्यादा ब्लैक था, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा रहा ये, उन्होंने ये यूज़ किया है तो उनको बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। अगर आप लोग किसी का भी ब्लैक हो, या आपके फैमिली मेम्बर्स में, या आपके कहीं रिलेटिव्स में, या आपके फ्रेंड्स में किसी का भी ब्लैक हो, तो इस तरह से आपको कर लेना है, इस तरह से मल के, और इसको 5 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको धुल के कि किस तरह से हो जाता है ये। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने धुल लिया है, ये बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाता है, एकदम से साफ, एकदम अच्छा निकल आता है। ये पता नहीं कैप्चर कर रहा है कैमरा कि नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छा ग्लो और शाइनी सा हो जाता है इसके बाद।
और ये बहुत ही अच्छा है। अगर ये फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा भी अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कर लिए। जो लोग नए आए हैं वो इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा कि मैं आगे फ्यूचर में जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो वो आपके पास पहुँच जाए। चलिए फ्रेंड्स, बाय।